और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली फिल्मों का क्या हाल रहेगा देसी बॉक्स ऑफिस पे। हाउ विल द फिल्म रिलीजिंग दिस फ्राइडे फेयर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, सो कीप वॉचिंग। दोस्तों, जो सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है इंटरनेशनली वो है द बैटमैन। बैटमैन में इस बार रॉबर्ट पैटिसन पहली बार बैटमैन के रूप में आ रहे हैं एंड बैटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स, सुपर हीरो कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड। क्रिस्टोफर नोलन की जो बैटमैन सीरीज थी, जो ट्रिलॉजी थी, उसने पूरी दुनिया में धमाल मचाया था, लेकिन उसके बाद बैटमैन का जो कैरेक्टर है उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाया। द बैटमैन की जो रिव्यूज आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है, समीक्षकों को भी फिल्म काफी पसंद आ रही है, तो एक माहौल सा बन रहा है फिल्म को कि शायद ये फिल्म अच्छा बिजनेस करे और बैटमैन के जो कैरेक्टर है उसको फिर से क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन की ऊंचाइयों पर जाके पहुंचाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पिछली बैटमैन थी क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइजेस, उसने सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ का वीकेंड किया था। आई थिंक इट डिड राउंड अबाउट 50 करोड़ प्लस बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वो बिजनेस भी ज्यादातर साउथ ड्रिवन था और बड़े बड़े शहरों में ज्यादा धंधा हुआ था उस पिक्चर का। तो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वॉर्नर ब्रदर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म ज्यादा वाइड जाए, ज्यादा लोगों तक जाए। काफी समय बीत चुका है, बैटमैन की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, सो आई थिंक द नंबर्स दैट दिस बैटमैन शुड बी चेसिंग इज एटलीस्ट द डार्क नाइट राइजेस। तो होपफुली नॉर्थ इंडिया में बैटमैन ने ज्यादा कुछ नहीं कमाल किया आज तक, क्योंकि फिल्में थोड़ी ज्यादा सीरियस होती हैं, उसमें ज्यादा डायलॉग्स होते हैं, एक्शन थोड़ा कम होता है मार्वल की फिल्मों के हिसाब से, और फिल्म का जो टोन होता है वो काफी सीरियस होता है। तो उन सारी चीजों में अगर आप देखें तो नॉर्थ मार्केट्स में अभी तक फिल्म उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाई है बैटमैन की, बट दिस टाइम होपफुली थिंग्स वुड बी डिफरेंट। रिव्यूज आर गुड, फिंगर्स क्रॉस द फिल्म शुड ओपन वेल टुमारो। दोस्तों, दूसरी फिल्म जो है इस हफ्ते वो है अमिताभ बच्चन की झुंड। इस फिल्म की जो सबसे खासियत है, जो मुझे सबसे बड़ी खासियत लगती है, कि नागराज मंजुले इस फिल्म के निर्देशक हैं। नागराज मंजुले वही हैं जिन्होंने सायरात बनाई थी, जो कि हिंदी में बनी थी धड़क के नाम से। धड़क भी अच्छी बिजनेस की थी और सायरात वॉज अ ब्लॉक बस्टर। कैन यू बिलीव इट, दैट फिल्म व्हेन इट रिलीज लॉन्ग बैक इट डिड अ बिजनेस ऑफ मोर देन 60-70 करोड़ इन महाराष्ट्र ओनली। इट वॉज अ मराठी फिल्म, इट वॉज अ ह्यूज हिट। झिंगाट वॉज अ रेज देन, धड़क फिल्म में भी इस गाने को यूज किया गया था। अब मंजुले साहब इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेके आ रहे हैं और कुछ डिलिंक्वेंट बच्चों को अमिताभ बच्चन एक झुंड से एक टीम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मेरे काफी जान पहचान के लोगों ने फिल्म को देखा है, फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं, फिल्म की काफी बड़ाई कर रहे हैं, फिल्म में बोल रहे हैं कि इट वन ऑफ द बेस्ट मेड फिल्म इन रिसेंट टाइम्स। तो होपफुली फिल्म वर्ड ऑफ माउथ अच्छे निकलने से शायद पिक्चर पिकअप करे, लेकिन जो ट्रेलर्स वगैरह देखे गए उससे फिल्म की कोई खास गर्मी नहीं आ रही है। रिलीज भी बहुत लिमिटेड है, मुझे लगता है 1000-1200 स्क्रीन में पिक्चर रिलीज होगी। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के प्ले पे है। हाँ, एक चीज जरूर फायदा हो रहा है फिल्म को कि महाराष्ट्र में 100% ऑक्यूपेंसी मिल गई है सिनेमाघरों को, तो शायद नागराज मंजुले इज सच अ ह्यूज डायरेक्टर इन महाराष्ट्र, तो उससे महाराष्ट्र फैक्टर प्ले करे और शायद महाराष्ट्र का जो वर्ड ऑफ माउथ बने वो बाकी इंडिया पे प्ले आउट कर जाए और सैटरडे संडे जाते जाते फिल्म अपना कमाल बॉक्स ऑफिस पे दिखाने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म का कुछ विशेष स्टार्ट लगने वाली है। फिल्म बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ वाली फिल्म है और होपफुली इट विल पिक अप बाय वर्ड ऑफ माउथ। स्लो स्टार्ट लेगी, पिक करना चाहिए वर्ड ऑफ माउथ से। आखिरी बात करेंगे गंगूबाई की। गंगूबाई इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन मार्केट, इट हैज डन अ वेरी गुड नंबर्स, 35-40 करोड़ का वीकेंड मारा, वीकडेज में भी काफी पिक्चर ने सस्टेन किया है अच्छा, और मुझे लगता है इस वीकेंड पे भी गंगूबाई डोमिनेट करेगी अक्रॉस द हिंदी बेल्ट और हिंदी मार्केट्स जो हैं। सो मुझे लगता है कि बंसाली और आलिया भट्ट की ये एक क्लीन हिट है और सबसे खासियत बात यह है कि एक ड्रामा इतने दिनों के बाद हिट हुआ है। इट इज टाइम फॉर द इंडस्ट्री टू सेलिब्रेट कि पूरी तरीके से ऑडियंस जो है अब सिनेमा घरों में वापस आ रही है। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल इट शुड बी अ डीसेंट वीकेंड फॉर द बॉक्स ऑफिस। कोई बहुत कुछ खास नहीं होने वाला है। आगे 11 तारीख से आपको बड़े बड़े फिल्में रिलीज हो रही जैसे कि राधे श्याम, बच्चन पांडे, RRR। सो मार्च इज लुकिंग फैंटास्टिक लेडीज एंड जेंटलमैन।
और मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे से वार्म अप चल रहा है, तो होपफुली मोर फायरवर्क्स टू कम. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट. थैंक यू.